Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पुखराज गिरी आपका स्वागत करता हूँ। CGPSC मेंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज के इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल का। अब एनालिसिस के पर्पस के लिए हमने क्या किया है, तो हमने 3 साल के मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। पहला है 2016, उसके बाद है 2017 मेंस, और उसके बाद है 2018 मेंस। मतलब हम एनालिसिस करेंगे, और वो भी 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेके, 2016 का क्वेश्चन पेपर, 2017 का क्वेश्चन पेपर और 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब एनालिसिस में हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट ये रहेगा कि हम देखेंगे कि इन जनरल क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, क्लियर। और ये जो पैटर्न है, इसमें हमें आंसर राइटिंग में किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो 2 मोटिव्स रहेंगे, पहला पैटर्न और दूसरा आंसर राइटिंग कैसे करना है, या कौन से ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जिनको आंसर राइटिंग में हमको ध्यान में रखना है। एक और चीज आपको याद दिला दूं कि CGPSC में मेंस में सिलेबस और पैटर्न दोनों में चेंज आया है, और चेंज आने के बाद 2018 मेंस का पेपर हुआ। दैट मींस अभी हम एनालाइज करेंगे तो 2016 और 17 जो है ये ओल्ड पैटर्न था, और 2018 का जो पेपर है ये न्यू पैटर्न में है। तो सबसे पहले ये जो न्यू पैटर्न है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो 2018 का जो पेपर हुआ और उससे पहले जो चेंजेस आए, अगर हम बात करें पेपर नंबर 5 की, जिसमें है छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो पेपर नंबर 5 को अब क्या किया गया, तो अब 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला भाग जो है उसमें रखा गया इकोनॉमी का पार्ट या अर्थव्यवस्था का पार्ट, किसका, तो छत्तीसगढ़ का और भारत दोनों का। सेकंड जो पार्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल, और जो तीसरा पार्ट है वही है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी या छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब ये टोटल पेपर जो है उसका कितना मार्क्स था, तो इसका ग्रैंड टोटल था 200 मार्क्स, या मैक्सिमम मार्क्स कितना, तो 200। अब डिवीजन कैसा, तो पहला भाग कितना, तो 75 मार्क्स का, सेकंड भाग कितना, तो 50 मार्क्स का, और ये जो तीसरा भाग या थर्ड पार्ट था ये कितना, तो 75 मार्क्स का। मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर 5 के भाग 3 में जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये अब कितने मार्क्स का है, तो अब है 75 मार्क्स का। अब ये जो 75 मार्क्स का है इसका डिवीजन कैसा है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें इस भाग 3 से 2 अंकों के या 2 मार्कर क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, तो मिलेंगे 8, और इसमें वर्ड लिमिट या शब्द सीमा कितनी है, तो है 30। कितनी है, 30। अगर मैं आ जाऊं 4 अंकों के सवालों पे या 4 मार्कर के क्वेश्चंस पे, तो मिलेंगे कितने, तो 5, और इसमें वर्ड लिमिट कितनी है, तो 60 वर्ड्स। इसके अलावा अगर मैं आ जाऊं 8 मार्कर क्वेश्चन या 8 अंकों के सवाल, तो रहेंगे कितने, तो 3, और इसमें वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। क्या लिमिट है, तो 100 वर्ड्स की लिमिट है।
और फाइनली है 15 अंकों के सवाल। तो ऐसे सवाल आपको दो मिलेंगे और आपको किसी एक का जवाब देना है, तो दोनों का नहीं किसी एक का आपको उत्तर लिखना है या आंसर लिखना है। और इसमें वर्ड लिमिट रहेगा कितना, तो 175 वर्ड्स या 175 शब्द। क्लियर? तो लेटेस्ट पैटर्न में मतलब अब जो मेंस होगा उसमें ये जो भाग तीन है छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें से आपको ध्यान रखना है। तो 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे 8, 4 मार्कर आएंगे कितने 5, 8 मार्कर आएंगे 3, 15 मार्कर रहेंगे 2, आपको किसी एक का आंसर लिखना है। और जो 2 अंकों के सवाल है उसमें वर्ड लिमिट कितनी है, तो 30 वर्ड्स। जो 4 अंकों के सवाल है उसमें 60 वर्ड्स, 8 अंकों में 100 शब्द और उसके बाद 15 अंकों में कितने, तो 175 वर्ड्स या 175 शब्द। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे 2 अंकों के प्रश्नों का। तो इसमें 2016 और 17 के क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2016 से, फिर देखेंगे 2017 और उसके बाद आएंगे 2018 पे। तो मैं फिर से याद दिला दूं, 16-17 का पैटर्न अलग था, तो उसमें 2 मार्कर 4 मार्कर 8 मार्कर के अलावा 20 मार्कर और 40 मार्कर के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट यहां पे हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। क्लियर? तो आप विचलित नहीं होंगे कि ये पैटर्न कैसा हो गया, आप बिल्कुल सिर्फ नए पैटर्न को ही याद रखें, क्योंकि अब आप मेंस लिखेंगे तो इसी नए पैटर्न पे आपको मेंस लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन से। कौन से ईयर से? तो 2016 से। ईयर कौन सा है? तो 2016। क्वेश्चंस कौन से हैं? तो 2 अंकों के या 2 मार्कर और शब्द सीमा है 30। तो पहला सवाल जो आया था 2016 में पूछ रहा था छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों के नाम लिखिए। तो आंसर राइटिंग में सबसे प्राइमरी या मुख्य पॉइंट कहूं तो वो क्या है, तो वो है क्वेश्चन की समझ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ये समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं फिर से तो मुझे कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं। तो देखते हैं कीवर्ड्स क्या क्या है। तो पहला है छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है, दूसरा क्या है तो भौतिक विभागों के बारे में पूछा है, और तीसरा सिर्फ उनका नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ के 4 भौतिक विभाग हैं। इन चारों जो भौतिक विभाग या इंग्लिश में कहूं फिजिकल डिविजन्स हैं, इन सभी का आपको क्या करना है, तो नेम लिखना है या नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो 30 वर्ड्स है लगभग इसमें आपको 4 लाइंस मिलने वाली है। तो मैं मान लेता हूं ये है आपकी वो 4 लाइंस जो कि आपको मिली है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आंसर राइटिंग करें फिजिकल ज्योग्राफी का, मतलब भूगोल का भौतिक पार्ट, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं, तो स्थिति विस्तार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, लोकेशन एक्सटेंशन, इसके बाद अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट या जलवायु। तो कभी भी इन चैप्टर्स में जब आप आंसर राइटिंग करें तो ध्यान रखें मैप का बहुत महत्व होता है। तो आप ये सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ का मैप 4 लाइन में भी बनाना है क्या, तो कोशिश करेंगे कि आप शुरू से ही प्रैक्टिस करें छत्तीसगढ़ का एटलीस्ट एक रफ आउटलाइन। रफ आउटलाइन का मतलब है कि मैप आपका छत्तीसगढ़ के समान दिखना चाहिए। तो ये जो रफ आउटलाइन है इसे आप 4 लाइन में भी प्रैक्टिस करें, 6 लाइन या 6 लाइन्स में भी प्रैक्टिस करें, इसे 10 लाइन्स में भी प्रैक्टिस करें। तो कहने का मतलब है कि आपको छोटे आंसर्स में भी ये मैप बनाने पड़ सकते हैं, तो आपको शुरू से प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल आता है सर समय कम रहता है मैप कैसे बनाएं, तो इसकी आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। आउटलाइन आप एटलीस्ट
10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स में बना सके, इतना प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको नाम लिखना था बल्कि छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बनाएं और उस मैप में इन भौतिक विभाजनों को आप प्रदर्शित करें या बनाकर दिखाएं। क्लियर? तो इससे आपका आंसर बाकियों से अधिक अट्रैक्टिव लगेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में? तो नाम तो बताने ही थे, लेकिन उसे किसके माध्यम से बता दें? तो मैप के माध्यम से। एक और चीज कहूं, जब भी मैप बनाएं तो मैप के नीचे आपने कौन सा मैप बनाया है इसका नाम भी लिखें। मतलब अगर हम मैप में छत्तीसगढ़ का मैप बनाया हमने इस प्रकार, तो जरूर लिखें नीचे मैप या चित्र छत्तीसगढ़, क्योंकि ये तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, चेकर को थोड़ी पता है कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो आप बनाएं, क्योंकि ये रफ होगा तो चित्र का नाम या मैप का नाम जरूर लिखें कि छत्तीसगढ़। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन कैसा था? तो फैक्चुअल था, नाम पूछा था, फिजिकल ज्योग्राफी का है, नाम लिखें और मैप भी बनाएं तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के नाम लिखें। मतलब छत्तीसगढ़ में जो महानदी ड्रेनेज सिस्टम है इसकी मेन रिवर्स के नेम्स लिखने हैं। अब नेम्स वाला तो ये फिर से वही फंडा आ गया। अब आप बोलोगे सर इसमें भी मैप बनाना हो तो कैसे मैप बनाए? महानदी की ट्रिब्यूटरीज या इसकी सहायक नदियां तो बहुत सारी हैं, मैप में इन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो कभी भी जगह कम हो तो आप नदियों या रिवर्स के लिए लाइन डायग्राम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार से आप महानदी बनाएं और महानदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियों को इस प्रकार से बनाकर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य में शीत ऋतु की अवधि को बतलाते हुए शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये फिर से फिजिकल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे मैप बनाने की उतनी गुंजाइश नहीं है। आप चाहें तो बना सकते हैं बट उतनी गुंजाइश नहीं है। तो यहां पे देखिए दो चीजें आपको सवाल में पूछे गए। पहला है शीत ऋतु की अवधि। तो पहले पार्ट में आप बताएं अवधि कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु होती है, और सेकंड में पूछा गया है इसकी विशेषता। तो आप बताएं कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की क्या विशेषता है, कि तापमान कैसा रहता है, क्या यहां पे शीत ऋतु में वर्षण होता है कि नहीं, या प्रेसिपिटेशन होता है कि नहीं विंटर्स में। इसके बाद आप यह भी बता सकते हैं कि यह जो ऋतु है या ये जो सीजन है इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा निम्न तापमानों को एक्सपीरियंस करता है। मतलब छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे इस समय बहुत कम टेम्परेचर रहता है, उसे भी आप इसकी विशेषताओं में ऐड कर सकते हैं। अब फिर से कुछ सवाल आएंगे, इतना सारा आप बता दिए तो चार लाइन में कैसे लिखेंगे? तो देखिए दो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इन जनरल हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे चेकर को फैक्ट्स चाहिए, तो बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग के टेक्निक पे ध्यान मत दीजिए। आप फैक्ट को कॉमा कर करके लिखें। उदाहरण के लिए अगर आपने पहली लाइन में लिख दिया अवधि, तो कॉमा करके विशेषता डालिए पॉइंट, सामने एक डैश करिए और विशेषताओं को अगल बगल कॉमा करके लिखते चलिए। क्लियर? तो फैक्चुअल आंसर्स में आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को क्या करना है, तो प्रेजेंट करना है। आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में काली या कन्हार मिट्टी का वितरण एवं महत्व। तो यहां से फिर से दो पॉइंट मिल गए। तो पहला है वितरण और दूसरा महत्व। तो छत्तीसगढ़ में जो कन्हार मृदा या ब्लैक सॉइल है इसका क्या बताना है आपको? तो सबसे पहले बताना है इसका इंपॉर्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले पार्ट में इंपॉर्टेंस बताएं और डिस्ट्रीब्यूशन को क्लब करें जरूर किसके साथ, तो मैप के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन को एटलीस्ट मैप में बताएं छत्तीसगढ़ के किन हिस्सों में ये ब्लैक सॉइल या काली मृदा पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सूरज धारा योजना। तो यहां से ये योजना का एक सवाल आ गया। तो योजना जो है इसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले दो तो बहुत प्रमुख चीजें होती हैं योजना में। एक तो योजना जो है वो किस तिथि से चालू हुई या किस डेट से स्टार्ट हुई, और दूसरा इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद अगर इस योजना से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हों, तो चूंकि यहां पे जगह कम है तो कम से कम इतना बताएं कि ये जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई और इसका संबंध किससे है, मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 क्या है? तो आपको यहां पे ये नहीं बताना है कि ये 2012 से चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ये जो छत्तीसगढ़ का फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये 2012 से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? तो ये नहीं बताना है आपको। यहां पे पूछा गया है कि ये क्या है, मतलब ये किससे संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं या दी जाती हैं। क्लियर? तो इसको आप इस प्रकार से डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बांस आधारित कुटीर उद्योग को बताइए। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को बताना है, वो भी कौन सी? तो बैम्बू बेस्ड। तो बहुत ही आसान सवाल है, फिर से फैक्चुअल है। आपको बताना है कौन कौन से ऐसे कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो कि बैम्बू बेस्ड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर से एक योजना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना को बताइए। अब चूंकि यहां पे ईयर नहीं दिया है तो आप बताएंगे कब से चालू हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट हो तो। तो ये थे 2016 के टू मार्कर क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं ईयर 2017 पे। अब 2017 का पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ प्रदेश में चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन दी चांग भखार देवगढ़ हिल्स इन छत्तीसगढ़ रीजन। तो ये फिर से फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, मतलब मैप बनाइए और ये जो चांग भखार देवगढ़ पर्वत हैं इनके बारे में आपको बताना है या क्या करना है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है कि ये विस्तार इसका कहां से कहां तक है, औसतन ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, ये सभी फैक्ट्स को आपको बताना होगा। तो फिर से ये जो चार लाइन रहेंगी, इस चार लाइन के एक कोने पे आप मैप बनाएं चांग भखार देवगढ़ पर्वत का, या क्या करें तो छत्तीसगढ़ का वह हिस्सा बताएं जहां पे आप इस पर्वत श्रृंखला को दिखा सकें, और उसके बाद ये जो साइड बचा इसमें आप इसकी वही प्रॉपर्टीज लिखें जो मैंने आपको बताई, मतलब लगभग विस्तार कहाँ कहाँ पे है, औसतन ऊंचाई कितनी है, ऊंची चोटी कौन सी है, क्या यहाँ से कोई नदी निकलती है, और ये सारे पॉइंट्स। तो जितना भी इसके बारे में आप जानें कोशिश करें कि इन चार लाइन में आप लिख सकें मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की ये जो मनियारी नदी है इसके उद्गम क्षेत्र को और प्रवाहित क्षेत्र को बताना है, मतलब इंग्लिश में पूछा है एक्सप्लेन दी फ्लोइंग एंड दी ओरिजिन एरिया ऑफ मनियारी रिवर, मतलब मनियारी नदी का उद्गम कहां से है और ये बहती कहां है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आप इस कंडीशन में भी मैप बना पाएंगे। आप क्या करें तो आप कम से कम मुंगेली जिले का मैप बनाएं और उसमें मनियारी नदी को प्लॉट करें और दिखाएं कि ये नदी का उद्गम कहां से है और मनियारी नदी जो है ये बहती कहां कहां से है और फाइनली जाके किसकी सहायक नदी बन जाती है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी क्या है? तो इस प्रकार का एक सवाल हम कन्हार मिट्टी या ब्लैक सॉइल के लिए देख चुके हैं। मटासी मतलब किसकी बात हो रही, तो रेड येलो या लाल पीली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो फिर से क्या बताएंगे, इसकी विशेषता बता दीजिए और इसका विस्तार बता दीजिए, अप्रोच कैसा रहेगा। तो बिल्कुल जैसे पहले मैंने बताया था काली मिट्टी के लिए, वैसे ही आप लाल मिट्टी के बारे में भी
लिख सकते हैं और मैप जरूर बनाएंगे कम से कम इस मृदा का या इस सॉइल का एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में उरांव जनजाति का जो है संक्षिप्त परिचय देना है। तो ये क्वेश्चन 2017 में जरूर भूगोल के पार्ट में आ गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये एक्चुअली कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसको सेपरेटली डील किया जाएगा। जब कल्चर का वीडियो आएगा तो ये क्वेश्चन वहीं पे डील हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली प्रसार योजना, तो फिर से योजना आ गई। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि जब योजना का क्वेश्चन आए तो कैसे डील उसको कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्या है कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है? तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशन लिख देना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोसा उद्योग पर प्रकाश डालिए, तो हाईलाइट करना है छत्तीसगढ़ की कोसा इंडस्ट्री को। तो छत्तीसगढ़ में आपने कोसा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में उसी कोसा उद्योग के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय देना है चार लाइन आगे। तो फिर से एक योजना संबंधित सवाल, योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम है, योजना है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन आया था। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी योजना वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसे किस प्रकार से हमें डील करना है। अब फाइनली आ जाते हैं 2018 पे, मतलब यहां से न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है। तो पहला ही क्वेश्चन है, कुसमी पाट के उच्चावच का वर्णन कीजिए, मतलब डिस्क्राइब करना है कुसमी पाट का रिलीफ। तो ये जो क्वेश्चन आया था इसको ध्यान से हम समझें, तो यहां पे सिर्फ ऊंचाई नहीं उच्चावच पूछ रहा है। तो उच्चावच का अभिप्राय वैसे तो ऊंचाई से है, मतलब ऊंचाई तो बताना ही है कुसमी पाट की, कुसमी पाट मतलब सामरी पाट की। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप बताएंगे कि ये जो पाट संरचना है या पाट स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है और इसके हिसाब से जो कुसमी पाट है इसकी संरचना कैसी है, मतलब ऊंचाई के अलावा इसकी ढलान कैसी है। क्लियर? तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इसको एक मैप के माध्यम से आपको बताना होगा, ठीक है? तो पाट के बारे में आपको बता दूं, पाट संरचना कैसी होती है, तो पाट असल में पठार ही होते हैं। तो जब पठार ही होते हैं तो नाम क्यों दे दिया पाट? तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स का, तो इसमें होता क्या है, लगभग 600 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कह दिया जाता है, तो कह दिया जाता है पठार। तो ये जो पाट होते हैं ना, इनकी ऊंचाई 600 मीटर से कहीं ज्यादा होती है, लगभग एवरेज 1000 मीटर के आसपास। और इनकी ढलान कैसी होती है, तो होती है सीढ़ी नुमा या होती है कैसी, स्टेप्ड। तो सीढ़ी नुमा ढलान हो, औसतन ऊंचाई हो अधिक लगभग कितनी, तो 1000, तो ऐसी संरचना कहलाती है पाट संरचना। तो यहीं पे आपको इसे कुसमी पाट से जोड़ना होगा। तो कुसमी पाट की ढलान कैसी है, तो सीढ़ी नुमा है या स्टेप्ड टेरेन है और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी। क्लियर? तो ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह कहां कहां मिलते हैं? तो बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, मैप में बता दें कहां कहां मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में गोपद नदी कहां प्रवाहित होती है? तो हमने बिल्कुल मनियारी नदी के बारे में देखा है, गोपद का भी अप्रोच वैसा ही होना चाहिए। अगर ये पूछा है कहां प्रवाहित होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका उद्गम ही नहीं बताना है, उद्गम भी बता दीजिए और मैप पे प्लॉट भी कर दीजिए कि ये जो नदी है किस दिशा में प्रवाहित होती है, किस जिले से प्रवाहित होती है और किसकी सहायक नदी बन जाती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है या ब्लैक सॉइल कौन कौन से एरियाज में मिलता है छत्तीसगढ़ के? फैक्चुअल क्वेश्चन है, एरियाज को बताइए और उन्हें मैप में, रफ मैप में। मैप का ये मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ का चार लाइन में एकदम परफेक्ट मैप बनाएं, कम से कम आउटलाइन बनाएं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसी एक जिला विशेष एक्स जिले में ये मिट्टी पाई जाती है, तो कम से कम उस एक्स जिले का जो क्षेत्र है उसे तो हम शेड करके बता सकते हैं, भले वो परफेक्ट ना हो लेकिन किया जा सकता है। तो मैप का अप्रोच छोटे सवालों में ऐसा ही रखना है, परफेक्ट ना हो बट कम से कम हम चीजों को दर्शा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरंडम की प्रमुख विशेषता बतानी है और साथ में इसके उत्पादन क्षेत्र लिखने हैं छत्तीसगढ़ में। तो फिर से वही उत्पादन क्षेत्र लिखने हैं, तो उसको मैप में भी बता देना किन किन जिलों में मिलता है, और सेकंड पार्ट क्या है तो विशेषता। तो पहले विशेषता पूछा है तो पहले विशेषता बताएंगे और सेकंड में उसके उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुरतुरिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भूगोल से भी संबंधित है, इतिहास से भी, और हमारी लोक कला संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर से भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे तुरतुरिया का महत्व बताएं, साथ में यह भी बताएं कि तुरतुरिया छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, और मैप में अगर उसे दर्शा पाएं तो और भी अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सीमांतक कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण है। तो जब हम छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक है मेन और दूसरे है मार्जिनल, मुख्य और सीमांत। तो मुख्य मतलब ऐसी जनसंख्या की बात हो रही है जिनके पास वर्ष में 6 महीने से अधिक का क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और जिनके पास 6 महीने से कम हो उन्हें सीमांत में या मार्जिनल में रख दिया जाता है। तो यही आपको पूछा है कि हमारे यहां ये जो मार्जिनल वर्किंग पॉपुलेशन है या सीमांतक कार्यशील जनसंख्या है, इसकी वृद्धि के क्या कारण। तो क्या पूछा गया है आपको, इसकी वृद्धि के कारण। तो यहां पे आपको सीधा सीधा 4 लाइन में 1, 2, 3, 4 करके कारण लिख देने होंगे। क्लियर? चूंकि फैक्चुअल सवाल है तो ज्यादा घुमाएंगे नहीं, कारणों को बिल्कुल एक एक करके क्या करें, लाइंस में लिखते हैं। अगला सवाल है बादल खोल अभ्यारण की विशेषता बतानी। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है बादल खोल अभ्यारण कहां पे है या बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, तो आपको क्या बताना है, इसकी विशेषता बताना है। क्लियर? तो इसकी विशेषता को आप फिर से पॉइंट वाइज अप्रोच में लिखें। तो ये थे 2 मार्कर क्वेश्चंस या 2 अंकों के सवाल, कहां से कहां तक, तो 2016, फिर 17 और फिर 18। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, तो हम आ जाते हैं 4 अंकों के प्रश्नों पे या 4 मार्कर क्वेश्चंस पे। कौन से ईयर से, 2016 से। तो पहला क्वेश्चन था आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताना है और इसका वितरण बताना है छत्तीसगढ़ में। मतलब इंग्लिश में समझें तो डिफरेंस बतवाना है रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो 4 मार्कर क्वेश्चंस है ना, इसमें वर्ड लिमिट कितना है, तो है 60 वर्ड्स। अप्रोक्सीमेटली कहूं तो आपको 6 to 7 लाइन्स मिलने वाली है। तो ये जो 6 to 7 लाइन्स है इसको आपको 2 भागों में पहले बांट देना है। तो पहला पार्ट है आंसर का जिसमें आपको बताना है डिफरेंस। क्लियर? देखिए वैसे तो कभी डिफरेंस बताने को कहे तो ये जो टैबुलर अप्रोच है या टेबल वाला अप्रोच है, मतलब कंपैरेटिव अप्रोच, ये बहुत बेहतरीन होता है। इसमें सामने से सीधा सीधा हम डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन यहां पे मुश्किल ये है कि हमें वितरण भी बताना है, तो यहां पे टेबल बना पाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा, क्योंकि इस टेबल में जगह जो है वो वेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि वितरण है, मतलब फिर से मैप के माध्यम से बताना है। तो ये जो डिफरेंस है या अंतर कहूं, इसे क्या करिए, तो इसे पॉइंट वाइज कोशिश करें कि शुरू के 2 लाइनों में या अधिक से अधिक 3 लाइनों में बता सकें। और ध्यान आपको ये रखना है कि 6 लाइन का जो लास्ट हाफ है इसे आप बचा के रखें, किसके लिए, तो मैप के लिए। लगभग 70-30 अप्रोच आपका काम कर जाएगा। मतलब ये जो 6 लाइन है मान लूं मैं, तो इन 6 लाइन में 30% जो जगह है उसे आप मैप के लिए रखें, 70% पे आप अपना कंटेंट लिखें। तो 70% में कंटेंट लिखें जिसमें पहले अंतर बताएं, बाद में वितरण भी बता दे कहां कहां पे है, और उसी वितरण को ये जो 30% जगह है मैप में उसे जरूर बना के आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है इसकी स्थिति बताना है और इसके भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। मतलब लोकेशन कहां पे स्थित है और इसके फीचर्स कौन से फीचर्स, तो फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो फिर से 2 चीजें,
आप फैक्ट्स को तो बता सकेंगे पॉइंट में, और स्थिति के लिए कोशिश करें कि आप साइड में क्या बना दें, तो मैप बनाएं। अगले सवाल पे आते हैं, पाठ स्थलाकृति की विशेषता। तो जब हम सामरी पाठ वाला आंसर देख रहे थे या कुसमी पाठ वाला आंसर, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था। तो उन्हीं विशेषताओं को आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे साइड में कि पाठ जो है उसका डायग्राम कैसा होता है, और विशेषताओं को आप यहाँ पे लिखते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2016 का, जो कि 4 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई योजनाओं का वर्णन करना है। क्लियर, मतलब इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में, जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो योजना सरकार चला रही है, उन्हीं योजनाओं का आपको यहाँ पे वर्णन कर देना था। तो जो मुख्य योजनाएं हैं उसका बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब हम आ चुके हैं ईयर 2017 में, 2017 का ये जो पहला क्वेश्चन था, तो था उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो पाट प्रदेश है वो किस प्रकार छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है। क्लियर, तो पाट रीजन जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का, उसका रिलेशन क्या है छोटा नागपुर प्लेटू से। तो आपको ध्यान रखना है छोटा नागपुर प्लेटू का साउथ वेस्टर्न एक्सटेंशन या दक्षिण पश्चिमी विस्तार जो कि आता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में या नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में, और है ये पठारी लेकिन ऊंचाई अधिक है, और इसका स्लोप कैसा है या ढलान कैसी है, तो सीढ़ी नुमा या स्टेप्ड। तो इसी आकृति को स्थानीय भाषा में कहा गया है पाट। क्या कहा गया है स्थानीय भाषा में? पाट कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के प्रकोप का मूल कारण क्या है। तो ये जो क्वेश्चन 2017 में जब आया तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा क्वेश्चन मेंस में आ गया है। तो एक चीज समझिए, जब ये क्वेश्चन आया उस समय लगातार ये मामला करंट अफेयर्स में चल रहा था, और लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन एक न्यूज आती थी कि हाथियों के आतंक के कारण छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं कारणों के बारे में पूछा गया है आपको। क्लियर, तो 6 लाइन रहेंगी, और कोशिश करेंगे कि हर एक लाइन या 2 लाइन में आप एक कारण को बता सकें। मतलब 4 मार्कर क्वेश्चंस में कम से कम 4 कारण तो आप बताएं। क्लियर, पॉइंट वाइज अप्रोच जो है उसे अपनाएं आप, और 4 कारण कम से कम बताएं। अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में तालाबों के द्वारा जो सिंचाई है उसका क्या योगदान और महत्व। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा कितना योगदान है मिल जाएगा आपको, और योगदान के ही आधार पर आप बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको कहां से मिल जाएगा, तो इसका डेटा आपको मिल जाने वाला है इकोनॉमिक सर्वे से। अगला था छत्तीसगढ़ राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें एक पॉलिसी को पूछा गया। तो जो नई सौर ऊर्जा नीति है उसके बारे में बताना था कि कब से कब तक लागू है, और ये जो नीति है उसके ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या क्या हैं, और इस नीति के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई विशेष छूट दी जा रही है तो वो क्या है। क्लियर, अब ये डेटा तो बहुत सारा हो जाएगा, आपको 6 लाइन में बिल्कुल इसे समअप कर देना है। 1 लाइन में बता दें कि ये कब से कब तक लागू है, उसके बाद आप बताएं 1-2 इसके ऑब्जेक्टिव्स, और 1-2 आप बता दें कि इसमें कौन सी छूट विशेष रूप से मिलने वाली है। अब आ जाते हैं ईयर 2018। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया, 4 अंकों के जो प्रश्न थे उन्हें देखते हैं। तो पहला था अबूझमाड़ की विशेषता लिखें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है किसकी, तो अबूझमाड़ की। तो इसे आप बांट लीजिए कि भौतिक रूप से इसकी क्या विशेषता है, सांस्कृतिक रूप से इसकी क्या विशेषता है। क्लियर, तो क्या करेंगे, आपको ये जो विशेषता है ना इसे बांट लेना है, भौतिक क्या है सांस्कृतिक क्या है, और इसे बांट के इस प्रकार से लिखना है। क्लियर, तो ये जो पार्ट है इसमें आपको 6 लाइन मिलने वाली है, फिर से आपको बता दूं लगभग कितनी, तो 6 से 7 लाइन। तो इसी के अंतर्गत आपको लिखना है। तो यहाँ पे अप्रोच क्या था, विशेषता मतलब रैंडमली मत लिखिए, इसे बांट लीजिए ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो है उसे कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज जो है इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को बताइए।
तो मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के उनको बताना है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्ट है, बताना है कौन कौन से क्षेत्रों में है और उन क्षेत्रों को अगर आप मैप पे दिखा सकें तो और बेहतर रहेगा, इससे अधिक से अधिक नंबर मिलने की आपकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात का प्रतिरूप बताएं, मतलब सेक्स रेशियो का आपको पैटर्न बताना है छत्तीसगढ़ में। तो पहले ये बता दें कि सेंसस 2001 में कितना था, 2011 में बढ़ के सेक्स रेशियो कितना हो गया। उसके बाद बताएं 0-6 इयर्स के चिल्ड्रन में सेक्स रेशियो कितना है और क्या करें, तो यह भी बताएं कि एससीज में और एसटीज में सेक्स रेशियो कितना है। क्लियर, अगर आपको बताने में ये दिक्कत हो या जगह कम पड़े तो आप एक बढ़िया सा टेबल बना लें और यहाँ पे सेक्स रेशियो लिख दें और यहाँ पे कंटेंट्स, तो 2001 में कितना, 2011 में कितना, उसके बाद एससीज में कितना, एसटीज में कितना, 0-6 में कितना, इस प्रकार से आप टेबल बना के भी इस आंसर का प्रेजेंटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के क्षेत्र व भंडार को बताइए। ठीक है, एरियाज, अब इंग्लिश और हिंदी में यहाँ ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया था, आप मेंस के पेपर में भी देखेंगे तो हिंदी में तो बोलता है क्या, तो हिंदी में बोलता है आपको चूना पत्थर के भंडार को बताइए और इंग्लिश में लिख दिया था प्रोडक्शन को बताना है। तो जब हिंदी वाले लिखे तो भंडार भंडार लिखें, इंग्लिश वाले लिखें तो प्रोडक्शन को लिख दें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा पूछा गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्लियर, तो दो चीज़ें, सबसे पहले आपको बताना है किन क्षेत्रों में मिलता है और उत्पादन या भंडार जो भी आप बता रहे हैं वो कितना है। अगर आप सेफली प्ले करना चाहें तो दोनों बता दें, क्योंकि दोनों का क्या है, कोई बहुत लंबा चौड़ा तो डेटा है नहीं, क्षेत्र ही तो मेन है और बाकी का तो आपको क्या बताना है, प्रतिशत और रैंक। और अगर आपको डेटा याद हो कि कितने मिलियन टन में है तो उतना ही बताना है, मतलब अगर आप दोनों को, अर्थात अगर आप भंडार और उत्पादन दोनों को बता दें तो अधिक से अधिक दो ही लाइन लगेगा बताने में। और उसके बाद क्या करें, तो आप बता दें छत्तीसगढ़ में क्षेत्र या एरियाज, तो एरियाज है उसमें कम से कम जिले लिख दें कि कौन कौन से जिलों में मिलता है और उन जिलों को हाईलाइट करके छत्तीसगढ़ के एक मैप में बना दें। अगला क्वेश्चन, बलौदा बाजार जिले में स्थित जो सीमेंट उद्योग हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आपको बता देना था कि बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित है। क्लियर, तो ये थे 4 मार्कर क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं किस पे, तो 8 अंकों के प्रश्नों पे शब्द सीमा कितनी है, तो है 100 शब्द। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2016 में, तो 2016 में पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य में नगरी जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही है कब से कब तक। तो 1951 से लेकर 2011 तक छत्तीसगढ़ में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ का क्या ट्रेंड था। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी या मानवीय भूगोल का सवाल है, ध्यान रखें मानवीय भूगोल में ग्राफ का बहुत महत्व होता है। तो इन 5 दशकों में जो भी ट्रेंड रहा, बढ़ोतरी का जो ट्रेंड रहा, उसे आपको क्या करना है, तो एक ग्राफ के माध्यम से आपको यहां पे बताना पड़ेगा जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकेंगे। अगला था छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट उद्योग पर आपको लेख लिखना है। तो जब ऐसे है तो अपने आप में क्या हो गया, तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई। तो आप बताएं कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग लगने के पीछे क्या क्या कारण है, उसके बाद बताएं कि कौन कौन से उद्योग हैं। क्लियर, तो कारणों को आपको बहुत डिटेल में डील करना पड़ेगा क्योंकि कारण भौगोलिक और गैर भौगोलिक या ज्योग्राफिकल और नॉन ज्योग्राफिकल बहुत सारे होंगे। क्लियर, तो इंडियन ज्योग्राफी में इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़े ही होंगे कि क्या भौगोलिक और गैर भौगोलिक कारण होते हैं और उन्हीं कारणों को आप डिटेल में डील करते हुए बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्यों बहुत से सीमेंट उद्योग हैं। अंततः आपको यह भी बताने हैं कि कौन कौन से उद्योग छत्तीसगढ़ में हैं। अब अगला क्वेश्चन 2017 से, तो 2017 में क्या पूछा था, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत अन्य कार्यों में जो संलग्न जनसंख्या है उसका प्रकार एवं वितरण दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है और उसके प्रकार बताने हैं किसके, तो छत्तीसगढ़ का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें जो अदर वर्कर्स हैं उनका। तो छत्तीसगढ़ में जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे उसे 2 भागों में बांटा था, एक मुख्य या मेन और दूसरा मार्जिनल या सीमांत। अब उसके बाद फर्दर क्लासिफाई किया गया है कल्टीवेटर्स, एग्रो लेबर्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और साथ में क्या, तो आखिरी में आ जाते हैं अदर
वर्कर्स। तो ये जो आखिरी में बचे अदर वर्कर्स, या हिंदी में जिन्हें कहें क्या, तो कहें अन्य कार्यों में संलग्न जनसंख्या, जो कि लगभग कितना प्रतिशत है, तो है कुल कार्यशील जनसंख्या का 23.77%। तो आपको यही बताना है कि यह जो जनसंख्या है इसका वितरण और ये किन प्रकार के कार्यों में संलग्न है। क्लियर? तो किन प्रकार के कार्यों में संलग्न है और इनका वितरण, तो दो चीजें आपको बतानी रही। अगला सवाल यह है कि वन संसाधन पर आधारित लघुत्तर उद्योगों के नाम बताइए तथा आदिवासियों के आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, आपको सिर्फ नाम बताने हैं जो वन आधारित लघुत्तर उद्योग है। लघुत्तर मतलब माइनर। और क्या करना है आपको, उसके बाद बताना है सेकेंड पार्ट में, बिल्कुल पॉइंट वाइज अप्रोच में आ जाना कि किस प्रकार से ये जो उद्योग हैं ये आर्थिक विकास करने में सहायक हैं आदिवासियों के। ठीक है, तो आदिवासी हैं मतलब वनों के नजदीक रहते हैं, तो वनों पर आधारित जो उद्योग होंगे उनसे उनकी जीविका भी चलेगी और आर्थिक विकास भी होगा। तो इसी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस किस प्रकार से आर्थिक विकास उनका होगा। अब आ जाते हैं 2018। तो 2018 में 8 मार्कर जो क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया था उत्तरी महानदी जो बेसिन है उसमें जो सहायक नदियां हैं उनका संक्षिप्त विवरण देना है या आपको एक ब्रीफ अकाउंट देना है ट्रिब्यूटरीज का, किसके, तो नॉर्दर्न महानदी बेसिन में। तो महानदी का बेसिन है मतलब महानदी की जो सहायक नदियां हैं और वो भी उत्तरी महानदी बेसिन। तो उत्तरी महानदी बेसिन मतलब लगभग लगभग बिलासपुर संभाग की बात हो रही है। तो वहां पे जो महानदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा विवरण देना है, मतलब सिर्फ नाम नहीं बता देना है। तो यहाँ पे एक मैप से आप जरूर बताएं या दिखाएं उन नदियों को, साथ में कम से कम बताएं कि वे जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से है। अगर उन नदियों पे कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं तो उन परियोजनाओं के बारे में, और अगर वो जो नदियां हैं वो किसी प्रकार का मुख्य संगम बना रही हैं महानदी के साथ तो उन संगमों के भी बारे में आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 1981 से 2011 तक जन्म दर की जो प्रवृत्ति है उसे बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना होगा और बताना होगा कि जन्म दर में कमी आई है कि वृद्धि हुई है, क्या इसकी प्रवृत्ति रही। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चीनी उद्योग के विकास को समझाइए। तो छत्तीसगढ़ में जो चीनी उद्योग हैं उसके विकास को न सिर्फ आपको वर्ष अनुसार बताना है बल्कि कारणों तक भी पहुंचना है। क्यों? क्योंकि है ये 100 वर्ड्स का सवाल, मतलब लगभग 10 से 12 लाइन आपको मिलेगी। तो सिर्फ आप अगर जो कारखाने हैं और किस वर्ष में वो स्थापित हुए इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरे अंक यहाँ पे नहीं मिल सकते। आपको कारणों तक भी जाना होगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके चलते छत्तीसगढ़ में चीनी उद्योग का विकास हुआ। और अगर विकास से जुड़ी हुई अगर कोई योजना है जो आपके ध्यान में है तो उस योजना को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 20 अंकों के सवाल में। तो 2017 तक ये पैटर्न था, तो 2016 और 17 का क्वेश्चन हम देखेंगे 20 अंकों का, उसके बाद पैटर्न चेंज हो चुका है। तो 2018 जो है उसमें पैटर्न आ गया जिसमें शब्द सीमा रह गई 175 शब्द और अंक हो गए कितने, तो 15। तो 2016 में क्वेश्चन आया था, दो भागों में था। पहला भाग था छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, चट्टानों के बारे में सब पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको यहाँ पे मैप बनाना होगा। तो अभी इसी क्वेश्चन का ब भाग है या बी पार्ट है जिसमें पूछा है धारवाड़ एवं गोंडवाना जो शैल समूह है इसमें जो पाए जाने वाले खनिज हैं इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है, मतलब डिस्क्राइब करना है मिनरल्स का धारवाड़ और गोंडवाना रॉक सीरीज में, वो भी कैसे, तो डिटेल। तो आप बताएं
कि इन दोनों जो रॉक सीरीज हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। इन जनरल आप पहले बता दें कि वो जो मिनरल हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं और उनमें से कौन सा टाइप जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर मिनरल है उसका कितना उत्पादन है और उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कोशिश करें कि आप अगर विस्तार बता रहे हैं तो मैं आपको जरूर इंक्लूड कर लें। अगला सवाल है, ये वर्ष 2017 से है, तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का जो है आपको विस्तृत रूप में विवरण देना है। तो क्या करना है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन प्लान है छत्तीसगढ़ का उसको आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना था। तो ये किसी योजना या एक प्लान से संबंधित है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि योजनाओं को किस प्रकार से डील करना है, तो उसी प्रकार इसको करना था लेकिन डिटेल में डील करना था या एक डिटेल्ड अकाउंट इसका देना था। अब आ जाएं ईयर 2018 में, तो ये जो 15 मार्क्स के ये 15 अंक के जो सवाल थे वो कितने, तो थे 2 सवाल और वर्ड लिमिट या शब्द सीमा कितनी थी, तो 175 है। और इन 2 सवालों में से आपको किसी एक सवाल का उत्तर देना था या आंसर लिखना था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक्सप्लेन द नरवा गरुआ घुरुआ एंड बारी योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कृषकों के उत्थान के लिए राज्य की नरवा गरुआ घुरुआ और बारी योजना को समझाना था। तो ये जो योजना है करंट के हिसाब से आई थी और ये योजना थी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस हमें 2018 मेंस में देखने को मिले थे। तो समझिए यहां पे आपको सिर्फ योजना को नहीं समझाना है, आपको योजना को समझाना है किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कैसे किसानों का विकास होगा छत्तीसगढ़ के इस योजना के क्रियान्वयन से या इम्प्लीमेंटेशन से। तो इस योजना में जितनी भी चीजें हैं उनको आपको डायरेक्टली रिलेट करते हुए चलना था फार्मर्स के डेवलपमेंट या किसानों के विकास से। अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में वन संपदा पर जो आधारित उद्योग हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चंस जो हैं इन्हें ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, तो उन्हीं को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना था। अब आ जाते हैं 40 मार्कर क्वेश्चंस या 40 अंक के सवाल, शब्द सीमा हुआ करती थी 500, अब ये क्वेश्चंस आने बंद हो चुके हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये जो सवाल हैं हमें सिर्फ और सिर्फ 2016 और 17 के ही देखने को मिलेंगे। तो पहला है 2016 का क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन है उसे 3 भागों में बांटा गया था और क्या क्या थे, तो पहला पार्ट था छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के पीछे कारण बताइए। तो आपको यहां पे क्या डिस्कस करना था, तो सिर्फ और सिर्फ रीजंस या कॉजेस आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो लोकलाइजेशन हुआ है या छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज आई हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं कारण 2 प्रकार के होते हैं, भौगोलिक और गैर भौगोलिक। तो गैर भौगोलिक में क्या क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा कैपिटल, उसके बाद सरकार की यहाँ पे पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ज्योग्राफिकल में आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए, मिनरल्स जो है बहुत सस्ते रेट में उपलब्ध होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसे आपको डील करना रहेगा। तो 2 पॉइंट्स में आंसर बनेंगे, एक भौगोलिक और एक गैर भौगोलिक कारण। सेकेंड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात उद्योग के विकास एवं उत्पादन। तो छत्तीसगढ़ में जब भूगोल हम पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है उद्योग जिसमें हम औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें से उठाना था हमें किन उद्योगों को, तो सिर्फ और सिर्फ लौह इस्पात या आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो बताना था कि इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री कब कब लगी और हमें बताना था उन इंडस्ट्रीज में कितना कितना उत्पादन है, या कम से कम इतना तो बता सकें कि कितनी उत्पादन क्षमता है, कम से कम करंट ना बता पाए तो इतना तो बता सकें कि कितनी उत्पादन क्षमता है। अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए। तो कहां कहां पे है ये जो डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में, कौन से इंडस्ट्रीज का, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, इसे हमें बताना था कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये छत्तीसगढ़ के किन किन लोकेशंस में एस्टैब्लिश्ड है और यहां पर हम मैप के माध्यम से उसे बता भी सकते थे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईयर 2000
2017 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है फिर से तीन भाग में विभाजित था या बटा हुआ था। पहला भाग छत्तीसगढ़ राज्य में सतही जल और जो भू जल है उसकी कुल संभावित क्षमता जो है उसका आकलन करना है। आकलन करना है मतलब उसे इवैल्यूएट करके आपको बताना है कि कितना इरिगेशन पोटेंशियल है सरफेस और ग्राउंड वाटर में छत्तीसगढ़ के। तो सबसे पहले समझिए ये जो शब्द है आकलन करना या इवैल्यूएट करना इसका अर्थ क्या होता है। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो होता है तथ्यों के आधार पर आकलन करना। तो इसमें हमें तथ्यों के आधार पर देखना था कि छत्तीसगढ़ में कितनी संभावित क्षमता है। तो इकोनॉमिक सर्वे से इस आंसर से संबंधित आपको डेटा मिल जाता कि कितनी संभावित क्षमता है किसकी, तो छत्तीसगढ़ में सतही जल और भूजल की। अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल संसाधन का सिंचाई एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जो उपयोग हो रहा है उस पर एक लेख लिखना था। तो सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ में जो जल संसाधन या वाटर रिसोर्स इसका बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है, तो यूज हो रहा है। तो उनमें से एक है औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा क्या है सिंचाई। तो आपको ये बताना था कि सिंचाई में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनमें से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है, उनसे क्या फायदा होता है, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिल रहा है उससे। और औद्योगिक क्षेत्र में बताना था कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जहां से औद्योगिक जलापूर्ति की जा रही है और उससे क्या क्या फायदे छत्तीसगढ़ को मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते थे। इसके बाद एक सवाल था क्या छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि पर 100% सिंचाई संभव है। आपको उत्तर तर्कपूर्ण देना है। तो यहां पे समझिए तर्कपूर्ण उत्तर की बात हो रही है। क्लियर, मतलब आपको क्या करना है यहां पे लॉजिकल आंसर देना है कि क्या 100% इरिगेशन पॉसिबल है छत्तीसगढ़ के पूरे एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो थियोरेटिकली सोचोगे तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन तर्कपूर्ण तो प्रैक्टिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण सिंचाई क्षमता 100% नहीं हो सकती। तो उन्हीं कारणों पे आपको पहुंचना था। तो यहां पे समझे तर्कपूर्ण पूछा है, मतलब जो बताएं उसके तर्क भी दीजिए। अगर आपने कह दिया कि हाँ भाई पॉसिबल है तो तर्क दीजिए क्यों पॉसिबल है। वैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके तर्क आपको आसानी से मिल जाएंगे क्यों पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो ये था छत्तीसगढ़ के भूगोल के पेपर का एनालिसिस 2016, 2017 और 2018 के पेपर्स। तो एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका सही आंसर और उसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वो जो अप्रोच है ये हो गया पोस्टमार्टम अप्रोच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।